हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सभी जानते हैं 21st सेंचुरी में हम सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत हैवीली यूज़ करते हैं। चैटिंग प्लेटफॉर्म्स हो जैसे कि व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, आप डेली बेसिस पे इनको यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम ए, मान लो कोई बंदा है, बी को टेक्स्ट भेजता है, क्या टेक्स्ट कम्प्लीटली सेफ़ है? क्या इसको कोई रीड कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या व्हाट्सएप इसको खुद रीड कर सकता है? द आंसर इज़ नो। एंड द रीज़न बींग, क्योंकि व्हाट्सएप जो है एंड टू एंड एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है इस डाटा को प्रोटेक्ट करने में। अभी एंड टू एंड एनक्रिप्शन है क्या, ये कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो सभी हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनक्रिप्शन होता क्या है। हमने एंड टू एंड एनक्रिप्शन बोला तो उसमें जो टर्म है एनक्रिप्शन, उसका मतलब क्या हुआ? एनक्रिप्शन को एकदम सरल भाषा में अगर हम समझें तो मान लो ए ने बी को कोई मैसेज भेजना है, ठीक है, और जो मैसेज है वो मान लो एक प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट मतलब हाई, हेलो, कुछ भी है, ठीक है। जब हम इसको एनक्रिप्ट कर देंगे, एनक्रिप्ट करने के बाद मान लो एक कोई टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट ए बी सी डी, एनक्रिप्ट करने के बाद ये बन गया बी सी डी ई। सो इसके लिए जो इसको डिकोड करने के लिए जो सीक्रेट कोड होगा वो होगा अल्फ़ाबेट -1, ये कोड हो गया। सो ए ने बी को जब ये प्लेन टेक्स्ट भेजा, हम इसको इनक्रिप्ट करके भेजा, और बी ने जब बी को जब रिसीव हुआ तो डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग दिस कोड। सो अगर बीच में कोई पढ़ने की कोशिश करता भी है तो उसको बी सी डी ई दिखाई देगा, जो मैसेज है वो बी सी डी ई दिखाई देगा। लेकिन जब बी इसको डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग द सीक्रेट कोड तो वो -1 करता चला जाएगा, बी -1 ए बी सी डी, फिर ये टेक्स्ट दोबारा से जो प्लेन टेक्स्ट था हमने भेजा था दोबारा से बी को रिसीव हो जाएगा। इस टेक्निक को हम एनक्रिप्शन बोलते हैं। इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया सीक्रेट कोड की आवश्यकता होती है। जब भी ए बी को भेजेगा तो बी के पास सीक्रेट कोड होना चाहिए उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, ताकि डाटा दोबारा से ट्रांसफॉर्म किया जा सके। इसका यूज़ बहुत जगह पे होता है, जैसे कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन को सिक्योर करने में, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने में, या आपकी डिजिटल आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करने में, बहुत जगह इंक्रिप्शन का यूज़ होता है। तो दो तरह की इंक्रिप्शन होती है, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में एक सिंगल की यूज़ होती है उसको डाटा को इनक्रिप्ट करने में भी और डिक्रिप्ट करने में भी। लेकिन असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में दो की यूज़ होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब ये पूरा क्या माजरा है वो इजीली आसान आसान भाषा में समझेंगे आगे। सो व्हाट इज़ एंड टू एंड इंक्रिप्शन? अभी एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है, हमने इंक्रिप्शन तो देख लिया, वर्ड का मतलब क्या होता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है? एंड टू एंड का मतलब है कि ए अगर बी को कुछ भेजता है तो बीच में कोई भी जो है डाटा को चुरा ना सके या पढ़ ना सके। सो ए और जो सेंडर है और रिसीवर है, वो जो डाटा है वो सिर्फ वही दो लोग पढ़ सके, जो जो भी डाटा या मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं बीच में कोई पढ़ ही ना सके। इसलिए बोलते हैं इसको कि वन एंड से सेकेंड एंड तक डाटा एकदम सिक्योर्ड है और दो लोगों के बीच में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन। सो इनक्रिप्शन इज़ जनरली यूज वैन रेफरिंग टू द प्राइवेसी ऑफ स्टोर डाटा। अब मान लो कोई स्टोर डाटा है, ये डाटा है, ये इनक्रिप्टेड है, ये इसके लिए कोड चाहिए इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो कोई बंदा आता है, अगर उसके पास कोड है वो डिक्रिप्ट करके पढ़ लेगा। तो अगर हम स्टोर डाटा को इनक्रिप्ट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, डाटा की जगह रखा हुआ है, स्टोर्ड है, सिर्फ कोड होना चाहिए, आगे आप पढ़ लो। लेकिन मान लो वही डाटा जो एक्सचेंज है और रियल टाइम में दो लोगों के बीच में हो रहा है, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, हाई हेलो दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो उसमें वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरनेट तो बहुत वल्नरेबल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारे सिस्टम से मैसेज निकला वो आगे जाके किस नोड पे जाएगा किसी को नहीं पता है। तो उस केस में हमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन चाहिए होती है जो हमारे डाटा को एकदम सेफ बनाती है, और जो सेंडर और रिसीवर है उन्हीं के बीच में वो मैसेज रहेंगे, क्योंकि जो डाटा है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा आपके डिवाइस पे, ठीक है, एंड डिक्रिप्ट होगा व्हेन इट रीचेस द इंटेंडेड रेसिपिएंट। तो अब देखते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन वर्क कैसे करता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन में क्रिप्टोग्राफी यूज होता है। अब क्रिप्टोग्राफी होती क्या है? क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्रिप्टोग्राफी इसमें होता क्या है ना, कि मान लो ए ने बी को कोई टेक्स्ट भेजना है, तो ये ए जो है प्लेन टेक्स्ट टाइप करेगा अपनी तरफ से। सो प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, और फिर से प्लेन टेक्स्ट,
सो ए ने प्लेन टेक्स्ट टाइप किया, ये इस प्लेन टेक्स्ट को हमने क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी की मदद से साइफर टेक्स्ट में चेंज कर दिया, और साइफर टेक्स्ट को फिर से प्लेन टेक्स्ट में चेंज कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को हम क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होता है साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट फिर से कन्वर्ट होता है प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट मान लो हाई, और साइफर टेक्स्ट मान लो कोई भी सिंबल, डॉलर, टू, ऐसा करके कुछ भी लिख दिया, मतलब जो किसी और को समझ ना आए। मतलब अगर कोई बीच में एक्सेस लेना चाहता भी है उस मैसेज को देखे, तो उसको सिर्फ ये दिखाई देगा, उसको ये नहीं दिखाई देगा। इसको हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, तो इससे उसको समझ नहीं आएगा कि मैसेज क्या गया। तो इसमें जो है क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है इन एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एंड इसमें हम जो है किस क्रिप्टोग्राफी भी दो तरह की होती है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड असीमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो हम इसमें असीमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं, जिसमें टू कीज़ चाहिए होती है, पब्लिक कीज़, उस मैसेज को जो है पढ़ने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोई बंदा ए है, ये बंदा बी है, इसके पास दो की होगी, दैट इज़ पब्लिक की ऑफ ए एंड प्राइवेट की, पब्लिक की ऑफ बी एंड प्राइवेट की ऑफ बी। यहाँ से मैसेज भेजा। अब मान लो ए को बी को टेक्स्ट करना है, सो जो पब्लिक की होती है ये तो ओपनली अवेलेबल होती है, ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी, जहाँ पे भी आप मान लो चैटिंग कर रहे हो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे, उनको आपने अपनी पब्लिक की दे दी, या आपने खुद ही अपनी पब्लिक की ब्रॉडकास्ट कर दी, तो पब्लिक की तो ओपनली अवेलेबल होती है, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ अपने पास होती है अपनी, ठीक है, अपने ही फ़ोन में स्टोर्ड होती है। सो मान लो ए को बी को टेक्स्ट भेजना है, तो ए यूजिंग दी पब्लिक की ऑफ बी इस टेक्स्ट को, इस मैसेज को लॉक कर देगा, और जब ये बी को रिसीव होगा तो बी इस मैसेज को यूजिंग दी प्राइवेट की ऑफ बी अनलॉक कर लेगा। इससे क्या हुआ, टू दो की का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक एक की से हम ताला मारते हैं और दूसरी की से हम ताला खोलते हैं। इससे डाटा की जो सिक्योरिटी है बहुत एनहेंस्ड हो जाती है, बीच में कोई चांस नहीं बनता कि कोई पढ़ सके। वैसे ही तो बी को ए को कोई टेक्स्ट भेजना होगा, तो बी ए की पब्लिक की का यूज़ करके उससे उसको टेक्स्ट भेजेगा, लॉक करके इनक्रिप्ट कर देगा, और फिर ए अपनी प्राइवेट की से उसको अनलॉक कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा, और उस डाटा को ईजिली पढ़ लेगा। इसको हम असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। द पब्लिक की एनक्रिप्ट द डाटा वाइल द प्राइवेट की डिक्रिप्ट इट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। इट जनरेट व्हाट्सएप ई जनरेट देयर ओन पब्लिक प्राइवेट की पेयर्स, दोज मैसेज कैन ओनली बी अनलॉक्ड एंड रीड बाय समवन होल्डिंग द एसोसिएट प्राइवेट की, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर प्रोसेस में समझाया। सो कैन अ थर्ड पार्टी गेन एक्सेस टू अ प्राइवेट की, द आंसर इज़ नो, नहीं, कोई इसका एक्सेस नहीं ले सकता है, क्योंकि जो है प्राइवेट की है वो आपके यूज़र्स के डिवाइस पे ही स्टोर्ड होती है, एंड कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनी वन एल्स। लेकिन जो पब्लिक की है वो ओपनली अवेलेबल है, लेकिन उससे खुलेगा नहीं वो मैसेज, उसको आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया ए को अगर बी को भेजना है, ए को बी की पब्लिक की का यूज़ करके उसको ताले और टेक्स्ट को ताला मार देगा, और बी उसको अनलॉक करने के लिए अपने प्राइवेट की से अनलॉक कर लेगा। सो प्राइवेट की का एक्सेस नहीं मिलता किसी को ऐसे। सो ये सिक्योरिटी को बहुत एनहेंस कर देता है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एंड टू एंड एनक्रिप्शन, तो उसके बेनिफिट क्या है, सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट प्राइवेसी, बहुत स्ट्रॉन्ग और हैवी प्राइवेसी जो है मिलती है, ताकि बीच में कोई भी डाटा आपका पढ़ ना सके। लेकिन एक लो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं, उनको एक शिकायत है कि ये बहुत उनको मतलब बहुत मुश्किल कर देता है उनके लिए, कि टू डिटेक्ट डेंजरस और इलीगल एक्टिविटीज़ जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होती हैं। लेकिन इसमें क्रिप्टोलॉजी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहना है कि अगर हम किसी को भी बैक चैनल या बैकडोर से एंट्री दे दे, तो वो उसका फिर एक्सप्लोइट करेंगे किसी अन्य रीजंस के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन ही बनाए रखने में फ़ायदा है। एंड जैसे कि वही सेम रिपीटेशन है, इट एनेबल्स क्रिमिनल और टेररिस्ट कोऑर्डिनेशन। लेकिन सिर्फ यही थोड़ा ना एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, बहुत सारे अन्य वेज है जहाँ पर वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं सीक्रेटली। एंड सो जो उसकी यूटिलिटी है इस टेक्नोलॉजी की एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की, बहुत कई गुना ज़्यादा है इसके जो छोटे मोटे जो लूप होल्स है, जैसे कि ये क्रिमिनल्स एंड ये टेररिस्ट वाला, इससे कई गुना ज़्यादा है। सो विच ऐप सपोर्ट्स ई टू ई एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, कौन कौन सी ऐप यूज सपोर्ट करती है, सिग्नल हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ये लोग तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, ठीक है, पहले से ही सेट होता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ही यूज़ होगा। आपने अपने व्हाट्सएप चैट में लिखा भी होगा, देखा होगा कि दीज चैट्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, ठीक है। लेकिन जो है टेलीग्राम से आपको सीक्रेट चैट में तो एक ऑप्शन देता है कि आप वहाँ पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन ही यूज़ होती है, लेकिन जो उसकी रेगुलर चैट्स होती है दे आर नॉट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। ऐसे ही फेसबुक हुआ, मैसेंजर, गूगल मैसेजेस ऑल्सो अलाउज यूजर्स टू ऑप्ट इन फॉर ई टू ई,
मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने भी, बट दे डो नॉट प्रोवाइडेड बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेट नहीं होता, लेकिन आप यूज़ करना चाहो, अपने सिक्योरिटी एनहेंस करना चाहो, आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे को भी यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, यही आपकी मैसेज को बहुत सिक्योर बनाता है व्हाट्सएप पे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।